नोटिस भेजा था बैंक से, इसीलिए सब कुछ वही करवाया था। इसके बाद करवा भी दिया और पैसा भी लिया था 30,000 टका। 30,000 रुपया अलग से लिया था? हाँ लिया था। कितना का लोन आया था? हम लोग 2.5 लाख का लोन आया था। बोला कि गाय, हम बोले कि नहीं लेंगे गाय, हम लोग पैसा जमा कर देंगे। बोला कि गाय नहीं लीजिएगा तो बैंक बुला के पकड़ेगा तुम्हें। ये नहीं, फिर भी आपके नाम पे लोन का 500 रुपया 500 करके दो बार हम दिए हैं तो बोलता बोला कि इंश्योरेंस में भैया करता है। प्रखंड क्षेत्र के दीवानगंज स्थित एक बीसी सेंटर संचालक के द्वारा वर्ष 2015 में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रानीपत्रा से फर्जीवाड़ा कर ऋण निकासी करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की जानकारी तब हुई जब विगत कुछ दिनों में लोगों को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा ऋण की राशि देने का नोटिस किया गया। वहीं उस दौरान ऐसे लोगों को भी नोटिस किया गया जिसे बीसी सेंटर संचालक प्रहलाद सिंह ने ऋण उपलब्ध करवाया था, लेकिन रीनी को बताए गए ऋण की रकम से ज्यादा नोटिस आने पर वह भी पूरी तरह घबराए हुए हैं। नोटिस मिलने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोग जनप्रतिनिधि से लेकर गणमान्य लोगों से मिलकर मामले को समझने में लगे हुए हैं। इस बीच सोमवार को दर्जनों लोगों ने प्रहलाद सिंह से मुलाकात भी किया। प्रहलाद सिंह ने लोगों को झूठा आश्वासन दिया और कहा कि कुछ नहीं होने वाला है, हम सभी मामले को रफा दफा कर देंगे। वहीं रीनी बराती महलदार कल्पना देवी, चंदा देवी, बिजली देवी, जहरी देवी आदि ने बताया कि हम लोगों ने प्रहलाद सिंह के द्वारा दीवानगंज में चलाए जा रहे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बीसी सेंटर में अपना अपना खाता खुलवाया था, लेकिन हम लोग कभी ऋण नहीं लिए थे। लेकिन हम लोगों को भी बैंक की ओर से यह कहकर नोटिस आया है कि आप लोगों के द्वारा बैंक से ऋण लिया गया है, जिसे हम काफी घबराए हुए हैं। वहीं ग्रामीण राजेश मंडल ने बताया कि हम बैंक से 10,000 रुपए लिए थे, जिसमें 9,000 भुगतान भी कर चुके हैं, लेकिन नोटिस में ऋण की रकम करीब 25,000 है। उन्होंने बताया ऐसे दर्जनों ऋण लेने वाले लाभुक हैं, तो 10 से 15,000 ऋण लिया था, लेकिन ऋण की राशि 25,000 से 40,000 तक भरा गया है। साथ ही लोगों ने बताया कि हम लोग बीसी सेंटर संचालक के पास लिए गए ऋण की रकम को भी जमा कर चुके हैं, फिर भी हम लोगों को ऋण चुकाने का नोटिस मिला है। ऐसे में इस लॉकडाउन की स्थिति में हम लोगों के समक्ष नई मुसीबत आ गई है, जिससे हम लोग काफी सहमे हुए हैं। ग्रामीण मनोज मंडल ने बताया दीवानगंज क्षेत्र के ऐसे दर्जनों गरीब लोग हैं जिनके आंखों में धूल झोंककर प्रहलाद सिंह ने मोटी कमाई की है। मौजूद लोगों ने बताया जल्द ही हम लोग वरीय पदाधिकारी से मिलकर इस संबंध में लिखित शिकायत करेंगे। कहां पे आए हुए हैं, पूरा कहानी बताएं। श्रीनगर आए हैं, दरगाह रानी पत्रा से आए हैं। हाँ, श्रीनगर आए। अच्छा, क्या काम है? प्रहलाद के पास में दीवानगंज। क्या करने आए हैं? गाय दिलवाया था, उसी के मामला में आए थे। क्या हुआ है आज, कौन सा कागज लेके घूम रहे हैं आप लोग? नोटिस भेजा था बैंक से, इसीलिए सब कुछ वही करवाया था। इसके बाद करवा भी दिया और पैसा भी लिया था 30,000 टका। 30,000 रुपया अलग से लिया था? हाँ लिया था। कितना का लोन आया था? हम लोग 2.5 लाख का लोन आया था। बोला कि गाय, हम बोले कि नहीं लेंगे गाय, हम लोग पैसा जमा कर देंगे। तो बोला कि गाय नहीं लीजिएगा तो बैंक बुला के पकड़ेगा तुम लोग। गाय तो लेना ही होगा किसी हालत में, बोला। और गाय भी दिलवाया, हम लोग गाय देखने गए, पसंद नहीं हुआ तो हम लोग वापस चले आए। इसके बाद में दूसरा दिन गाय लेके आया, गाय भी घर में बंधवा दिया, चारा भी सब कुछ वही खरीद के पहुंचा दिया। गाय भी वही लाके दिया था? वो ही लाके दिया, हम लोग नहीं लाए हैं गाय। पैसा आप उठाए? कितना गाय दिया था लाके? उसी को दिए, वही गाय सब खरीद। कितना गाय खरीद के लाया था? 3 गो गाय लाया था। हम लोग पैसा आपस फिर बैंक जमा कर रहे थे, जमा करने नहीं दिया। पकड़ रहे बैंक में ना जमा कीजिए, कानून कार्रवाई हो जाएगा, लीजिए गाय। आप लोगों को डरा धमका दिया गया? हाँ, डरा धमका के करवाया है सब। अच्छा, आप लोग क्या ग्रुप से हैं? हाँ, ग्रुप से हैं, नंदनी ग्रुप में। हाँ, हम लोग कुछ लोग को जानकारी नहीं था, यही सब कुछ करवाया है। हम लोग कितना जानकारी था? गाय भी वही दिया, चारा भी वही दिया, वही सब कुछ, बाल्टियों तक खरीद को ही दिया था, गाय दूध नहीं, लाद भी वही खरीद। कब का मामला है, किस वर्ष का है? कितना दिन पर? कब का मामला है ये, कौन सा साल में? 2015 का मामला। 2015 का। कितने लोग प्रभावित हैं इससे? इसे हम लोग 13 है। 13 व्यक्ति आप लोग आए हुए हैं? हाँ। सबका नोटिस आया हुआ है? हाँ, 3 आदमी का आया था। अध्यक्ष को सचिव का नोटिस आया, ये लास्ट नोटिस है, इसीलिए पर्दा घर आया। उससे पहले नोटिस नहीं आया था? आया था, 2 बार आया था।
इसके पहले भी नोटिस आया था तो उसको हम बोले कि देखिए हम लोग इतना जानकारी नहीं था, गरीब आदमी है कैसे ये सब नोटिस आया। क्या बोलता है बैंक जाए जानी अध्यक्ष आप ही तो क्या नाम है आपका? सरिता देवी। क्या है आप? शंकर कोषाध्यक्ष है। आपका क्या नाम है? आपका क्या बोला? क्या मामला है? आज आप लोग यहाँ पे कहाँ आए हुए हैं? प्रहलाद जी के यहाँ। क्या है प्रहलाद जी के यहाँ क्या है? लोन दिया था प्रहलाद जी। अच्छा कब कब लिए था लोन? कौन सा साल में? 2015 में लोन लिए थे। 15,000 का लोन। 15,000 रुपए का। नोटिस कितना का आया है? अपनी आया है 27,000 रुपए का। तो प्रहलाद जी का क्या कहना है कि कितना का लोन लिया है? प्रहलाद जी क्या बोल रहे अभी? टोटल लिए। टोटल लिए मतलब 25 का लोन सेंक्शन हुआ 15,000 और नोटिस आता है 27,000 रुपए का। जमा आप कितना किए हैं? 1 करोड़ रुपया। अभी जमा नहीं किए हैं? अच्छा फिर बैंक क्यों आ रहे हैं आप? आए नहीं आए हैं नोटिस। अरे तो नोटिस नहीं टका दिए काटेंगे देंगे टका अभी नहीं है। कहाँ जा रहा है आपका? बिलड़िया। बिलड़िया क्या नाम है? नाम क्या? गीता देवी। कितना लोग प्रभावित है लगभग गांव में? भी नहीं। फिर भी आपके नाम पे लोन का 500 करके दो बार हम दिए हैं तो बोला कि इंश्योरेंस में भैया कर रहा है। अच्छा बुझा ना हम पैसा जब उठाने के लिए एक बार गए थे कि 500 रुपया उठाएंगे तो बोला कि भैया इंश्योरेंस में पैसा कटता है। अच्छा। साल साल में तो दो बार जो ऐसी ही खबरों के लिए करे C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।